हेलो दोस्तों, क्या आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? तो क्या उस लोटे में घर का पानी लेकर जाते हैं? अगर नहीं तो जाने कि आखिर घर का पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? शिव पुराण में कहा गया है कि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए अपने घर से ही पानी लेकर जाएं, ताकि घर की सारी नकारात्मक शक्ति, दुख, कलेश सब उसी लोटे के जल में चली जाती है। और जब मंदिर से लौटे तो अपने लोटे में भगवान के चरणों का पानी चाहे दो बूंद ही मिले, लेकिन भगवान की चरणों का पानी जरूर लेकर आना चाहिए। ना तो घर से खाली लोटा लेकर जाओ मंदिर, ना तो जब मंदिर से लौटो तो खाली लोटा लेकर आओ, उसमें भगवान की चरणों का जल जरूर लाओ। और जब वो जल लेकर आओ तब अपने परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में जरूर लगाओ, क्योंकि इस पानी में भगवान स्वयं हमारे घर आते हैं। हम लोगों में से कई लोग अपने घर से पानी लेकर भगवान को चढ़ाने जाते तो हैं, लेकिन उधर से खाली लोटा ही लेकर आते हैं। तो अब से आप सभी भगवान के चरणों का जल चाहे दो बूंद ही मिले लेकिन जरूर लाओ। ऐसा मैं नहीं, शिव पुराण कहती, क्योंकि शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने कहा है, जो भी व्यक्ति मंदिर से लौटते समय अपने लोटे में मेरे चरणों का जल लेकर आता है, अपने घर में छिड़क देता है, तो संपदा वहां पहुंच जाती। जहां संपदा वहीं मैं, और जहां मैं वहीं संपदा। गर्ग संहिता में भी कहा गया है कि जब आप घर से जल लेकर निकलते हो तब सृष्टि की जितनी नदियां, जितने तालाब, जितने कुंड, उन सारे तीर्थों का जल आपके भरे हुए लोटे की जल में आ जाता है, और तब वो साधारण जल नहीं रह जाता, वो पवित्र गंगा जल बन जाता है। और शिव पुराण में कहा गया है कि जब जब मंदिर जाएं तो मुस्कुरा कर ही जाएं, हजारों दुख क्यों ना हो आपको। जब आप मंदिर जाएंगे मुस्कुराते हुए भगवान के दर्शन करेंगे तो भगवान को भी लगेगा कि इसको दुख भले ही है पर इसके चेहरे पर प्रसन्नता है। अब इसे दुख नहीं दूंगा क्योंकि इतना मुस्कुरा कर ये मेरे मंदिर आया है। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।